हाय एवरीवन, दिस इज़ अपेक्षा त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी पोस्टर मेकिंग की, जो कि 4 मार्क्स की आती है एग्ज़ाम में। और आज हम कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे पोस्टर बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ अ पोस्टर एंड व्हाट इज़ अ पर्पज ऑफ पोस्टर राइटिंग। पोस्टर्स आर नोटिसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड इन्विटेशन ऑल इन वन। पोस्टर्स जो हैं ये ऑल इन वन है, नोटिसेज, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन का एक मिला जुला रूप होता है पोस्टर। द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग अ पोस्टर इज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू करंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। जो मेन पर्पज है पोस्टर राइटिंग का, वो है किसी भी ऐसे इश्यू जो कि करंट प्रॉब्लम्स और नीड्स से रिलेटेड है, उसके बारे में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना, या फिर एडवर्टाइजमेंट करना किसी भी चीज़ का, या फिर कोई वर्कशॉप, सेमिनार या फिर इवेंट होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट करना। पोस्टर्स इंक्लूड्स बोथ टेक्सचुअल एंड ग्राफिक एलिमेंट्स। टेक्सचुअल एलिमेंट्स भी हो सकता है और ग्राफिक एलिमेंट्स भी हो सकता है आपके पोस्टर में। इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ एन अपील फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पोस्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन, अनाउंस, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन आर माइंड वाइल डिजाइनिंग और क्रिएटिंग अ पोस्टर। इट शुड बी आई कैचिंग एंड ब्रेन टिकलिंग। इट शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव एंड रीडेबल फ्रॉम डिस्टेंस। It must have the ability to capture and influence the audience you are talking to. This is the most important point. Because जो भी poster आप design कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी जो targeted audience है उसके mind को influence कर पाए। You can use slogans, logo, symbols and different font styles. Different font styles आप अपने poster में use कर सकते हैं। It's all up to your creativity. But do not use short forms and slangs. ऐसा नहीं है कि पोस्टर केवल 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है तो आप शॉर्ट फॉर्म्स या स्लैंग्स का यूज़ करें, ये नहीं करना है। दिस इज़ अ बिग नो। बोल्ड और अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आप बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड योर पोस्टर शुड बी इन अ बॉक्स। आपको एक बॉक्स में ही अपना पोस्टर ड्रॉ करना है। एंड मेक श्योर इट फिट्स विद इन वन पेज ओनली। वन पेज में ये कम्प्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की। पोस्टर का वैसे तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, मैंने यहाँ पे ये अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो ऐड किए हैं उन पर आपको ध्यान देना है। आप इंक्लूड करेंगे मेन हेडिंग, जो भी इवेंट है या जो भी टॉपिक है उसकी एक हेडिंग आपको लिखनी है, और उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी टैगलाइन या स्लोगन आप लिख सकते हैं। देन यू कैन हाईलाइट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड स्पेशल अट्रैक्शंस। उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल अट्रैक्शंस हैं, वो आपको हाईलाइट करने हैं। बट डू नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस हियर, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट इट इन 50 वर्ड्स ओनली। सो राइट द इन्फॉर्मेशन इन पॉइंट्स। इलस्ट्रेशंस मीन्स हियर विजुअल इनपुट से हैं, जैसे कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सिंबल्स, स्केचिंग, लोगोज, ये सब कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं पोस्टर में। बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि जैसे मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दोनों साइड में लिखा हुआ है कि आपको जो इलस्ट्रेशन है वो लेफ्ट हैंड पे ही करना है या फिर राइट हैंड पर ही करना है पेज का, या बीच में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ आप जो स्केचिंग है वो कर सकते हैं। अगर आपका पोस्टर किसी भी इवेंट को शो करता है जिसका वेन्यू, डेट, टाइम बताना इम्पॉर्टेंट है और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे भी मेंशन कर दीजिए। लेकिन अगर अवेयरनेस क्रिएट करने से रिलेटेड कोई पोस्टर है और जिसमें कि कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और टाइम, डेट, वेन्यू की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप स्किप कर देंगे। आफ्टर दैट, इश्यूड बाय, किसने इश्यू किया है या स्पॉन्सर्ड बाय, ये आपको लिख देना है। अब हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। Design a poster on alcohol awareness in 50 words. Your secretary of helpline Sarthi, founded by Health Ministry, Government of India. ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आ गया। अल्कोहल अवेयरनेस के लिए आपको पोस्टर डिज़ाइन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया इसका जो मेन हेडिंग है वो से नो टू अल्कोहल। देन हमने उससे रिलेटेड एक स्लोगन लिख दिया, रीथिंक योर ड्रिंक।
अब क्योंकि हमें पोस्टर में कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है, तो मैंने ये इस लाइन से शुरुआत करते हुए, इट्स अ डीमन नॉट अ ड्रिंक, इसको जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो मुझे कन्वे करनी है वो मैंने पॉइंट्स में लिखी है. इट्स अ डीमन नॉट अ ड्रिंक दैट रुइन्ड हेल्थ वेल्थ फैमिली हैप्पीनेस, ये मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है. अब बारी आती है इलस्ट्रेशन की, इससे रिलेटेड हम क्या इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है. दोनों साइड में ड्रॉ किया, आप चाहें तो वन साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर, लोगो, सिंबल, स्केचिंग, जो भी आपको करनी है. यहाँ पे हमें ये हेल्पलाइन जो है इसका रेफरेंस भी देना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ज्वाइन अस टुडे, रिगेन योर वेल्थ एंड हैप्पीनेस एट हेल्पलाइन सारथी, देन उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दिया है. आफ्टर दैट ये क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने इश्यू किया है, तो मैंने लिख दिया है इश्यूड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बहुत ही कम चीज़ें आपको लिखनी है, सेलेक्टेड सेलेक्टेड चीज़ें लिखनी है, और एक अट्रैक्टिव सा पोस्टर आपको डिज़ाइन करना है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. यू आर अ कल्चर सेक्रेटरी ऑफ न्यू सिटी क्लब, डिजाइन अ पोस्टर इन 50 वर्ड्स फॉर अपकमिंग दिवाली मेला. अब ये जो पोस्टर है दिवाली मेला के लिए है, तो हमने ऊपर एक टैगलाइन लिखी है, लेट अस लिट दियाज टुगेदर, ज्वाइन ग्रांड दिवाली मेला, ये जो इसकी हेडिंग है इसको मैंने बोल्ड कर दिया है. देन ऑर्गेनाइज्ड बाई, देखो यहाँ पे भी मैंने फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर दी है, तो आप देख सकते हैं मैंने कई तरीके के फॉन्ट का इसमें यूज़ किया है. देन अब क्योंकि ये एक मेला है, तो जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसका भी रेफरेंस हमें यहाँ पे देना होगा, तो मैंने लिख दिया है न्यू सिटी क्लब मुंबई इन सिटी स्टेडियम. अब जो वेन्यू है उसको हाईलाइट किया है, डेट को हाईलाइट किया है, और यहाँ पे ईयर आ जाएगी. अब मेन अट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं इस मेले के, तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, फूड, म्यूजिक, डांस, गेम्स, लकी. उसके बाद अगर कोई एंट्री फी है तो वो भी आपको मेंशन करनी होगी. यहाँ पे मैंने लिख दिया एंट्री फी 50 रुपीज़, देन इश्यूड बाय कल्चर सेक्रेटरी न्यू दिल्ली क्लब. ठीक है, तो ये हमारा एक पोस्टर बन के तैयार हो गया. और साथ ही ये इलस्ट्रेशन करना भी इम्पोर्टेंट है, इलस्ट्रेशन क्योंकि दिवाली है तो सिंपल सा बस दिया बना के इसका इलस्ट्रेशन कर दिया है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है ये ड्राइंग के बाद. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना एक अच्छा सा पोस्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.